जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाला जी के पिता बलकौर सिंह जी को लेकर। जी हाँ, डॉक्टर ने अचानक से आधी रात को ऐसा जवाब दे डाला है सिद्धू के पिताजी को लेकर, जिसे सुनकर जो है आपको काफी दुख होगा, दर्द होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी डिटेल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी को लेकर अचानक से डॉक्टर ने जो है आधी रात को ऐसा क्या कहा, जिससे मां चरण कौर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी हैं, चिंते में हैं, और फैंस लगातार जो है प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। आगे वो हम आपको जो है स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाले हैं, पिक्चर्स भी हैं कुछ जो आपको दिखाने वाले हैं, वीडियो भी दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको पूरी खबर, पूरी जानकारी जो है सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी के हेल्थ को लेकर बताने जा रहे हैं। जी आपको बता दें, सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी जो है इस वक्त आपको बता दें पीजीआई में एडमिट है। तीन हॉस्पिटल जो है चेंज किया जा चुका है इस वक्त, और तीन हॉस्पिटलों से रेफर करने के बाद जो है उन्हें पीजीआई में इस वक्त एडमिट किया गया है, और उनकी हालत जो है इस वक्त बताई जा रही है काफी ज्यादा गंभीर है। इतना ही नहीं, आपको बता दें दोस्तों, उनकी जान को खतरा भी है इस वक्त, इसीलिए आईसीयू में जो है शिफ्ट किया गया है सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी को। और इतना ही नहीं, आपको बता दें उनको सांस लेने में तो तकलीफ है ही, साथ ही साथ हार्ट की पंपिंग भी जो है सही से नहीं चल रही है इस वक्त। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें जब से सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी इस वक्त जो है आईसीयू में जब से एडमिट हुए हैं, तब से जो है सभी चिंते में है, फैंस प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दान दे रहे हैं सिद्धू के पिता के नाम का, और हर कोई मंदिर में जाकर जो है पूजा पाठ अर्चनाएं कर रहा है, कोई हवन कर रहा है तो कोई गुरुद्वारे में जाकर माथा टेक रहा है। इस प्रकार से जो है सिद्धू के पिताजी की हेल्थ के लिए जो है प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कुछ राजनेताएं भी हैं जो सिद्धू के पिता की हालचाल हेल्थ जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए। इनमें से आपको बता दें पटियाला की सांसद परनीत कौर, उनका हाल चाल जानने हॉस्पिटल पहुंची सीधा, और उन्होंने बताया कि बलकौर सिंह जी इस वक्त जो है काफी ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, अधिक ज्यादा जो है उन्हें वीकनेस की प्रॉब्लम है, साथ ही वे ठीक प्रकार से किसी से बात भी करने की हालत में नहीं है इस वक्त, बहुत ही मुश्किल से जो है रिप्लाई कर पा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से जो है खान पान खा पा रहे हैं वो इस वक्त। जी आपको बता दें देवता समान गायक सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी आधी रात को, जिसकी वजह से सांस चढ़ने और छाती में दर्द की शिकायत के चलते उन्हें गुरुवार रात पटियाला के हार्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन शुक्रवार बाद दोपहर उन्हें रेफर कर दिया गया, मोहाली अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जिसके बाद आपको बता दें वहां भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जिसके बाद पीजीआई में जो है डायरेक्ट उनको आईसीयू में एडमिट कराया गया है, ऐसी खबर सूत्रों के मुताबिक सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, पटियाला से पूर्व सांसद एवं जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने बताया कि बलकौर सिंह जी की धमनियों में ब्लॉकेज है और उन्हें बायपास सर्जरी की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था दोस्तों कि पटियाला हार्ट अस्पताल से बलकौर सिंह जी को रेफर कर दिया गया है, अब यह परिवार पर निर्भर है कि वे आगे का इलाज जो है कहां करवाते हैं। जिसके बाद से आपको बता दें सिद्धू के परिवार ने यही डिसाइड किया कि सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी को जो है चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट कराया जाए, क्योंकि उनकी दिक्कत जो थी दोस्तों सांस लेने की लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस डर से आपको बता दें शायद उनका जो है ऑपरेशन भी हो सकता है, बाईपास ऑपरेशन जो डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था। सिद्धू के परिवार के फैमिली डॉक्टर ने, डॉक्टर गांधी ने यह भी बताया कि वह पिछले 20 साल से मूसेवाले के फैमिली के फैमिली डॉक्टर है। मूसेवाले के पिता को पिछले कुछ सालों से हार्ट संबंधी समस्या है, बेटे की मौत के बाद हार्ट संबंधी दिक्कत के चलते वह जांच के लिए उनके पास आया जाया करते थे। उस समय उन्होंने बलकौर सिंह जी का ईसीजी व एंजियोग्राफी भी की थी, जिसमें बहुत ज्यादा नुक्स आया था। और तो और चिंता की बात तो यह थी दोस्तों कि बलकौर सिंह जी की धमनियों में ब्लॉकेज भी पाई गई थी, जिसकी वजह से फैमिली डॉक्टर ने यह बताया था कि उन्हें जल्द से जल्द बाईपास सर्जरी कराने की आवश्यकता है। लेकिन बलकौर सिंह जी ने यह कहा कि नहीं, मैं अभी अपने बेटे के जस्टिस के लिए लड़ूंगा और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, पहले पापियों को जो हत्यारे हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला मेरे बेटे को की हत्या की है, उसको जब तक सजा नहीं दिलवा लेता तब तक मैं दूसरे कामों में हाथ नहीं डाल सकता, मैं कोई ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मुझे जो है दवाइयों पर ही अभी रहने दो। सिद्धू के पिता ने 2 महीने पहले साफ तौर पे सर्जरी के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था, और आपको बता दें बलकौर सिंह जी के कहने पर ही फैमिली डॉक्टर ने उन्हें दवाओं पर रखा हुआ था उस वक्त, और जिसकी वजह से उनकी तबीयत जो है अब बहुत ज्यादा बिगड़ गई। आपको बता दें गुरुवार को जब वह दोबारा जांच के लिए आए तो ईसीजी में फिर से नुक्स पाया गया, और पहले के मुकाबले आपको बता दें इस बार जो रिपोर्ट में आया वो नुक्स बहुत ज्यादा था।
साथ ही उन्होंने सांस चढ़ने व छाती में दर्द की शिकायत भी बताई थी, जिसकी वजह से उसी वक्त उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। लेकिन उसकी उनकी जो है सांस की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ती गई हर घंटे, जिसकी वजह से उन्हें जो है तत्काल मोहाली के लिए रेफर कर दिया गया था, या फिर पीजीआई में एडमिट कराने के लिए जो है रेफर कर दिया गया, जिसके बाद से परिवार ने उन्हें पीजीआई में एडमिट कराया। इतना ही नहीं, जैसे ही सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी के पटियाला अस्पताल में दाखिल होने की खबर सामने आई, तो उसी वक्त जो है सांसद परिणीत कौर, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा और पटियाला शहरी से आप विधायक अजीत पाल सिंह कोहली उनका हाल चाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। अब जब से दोस्तों सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी की तबियत की ये खबर सामने आई है, तब से फैंस हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं वाहे गुरु से, भगवान से, जो कि आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कुछ कमेंट्स जो फैंस बड़े ही प्यार से सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी के लिए प्रार्थनाएं करते हुए लिख रहे हैं और अपनी बातें भगवान तक, वाहे गुरु तक पहुंचा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पिताजी हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने बेटे के हत्यारों को जो है सजा दिलवा पाएं। दोस्तों एक तो उनका बेटा चला गया, ऊपर से उनकी हेल्थ इस वक्त खराब है, बहुत ही दुख का माहौल है उनके परिवार में। ऐसे में फैंस जो हैं कंधे से कंधा मिलाकर सिद्धू के परिवार का साथ दे रहे हैं। सच में अगर फैंस हो तो सिद्धू मूसे वाले जैसे फैंस हो, जो हर सुख दुख में सिद्धू के पिता और माता के साथ डट कर खड़े रहते हैं।